This program is for discussion purpose only. Business Plus TV or any of our anchor does not bear any responsibility or liability towards the content. Assalamu alaikum Welcome to the program In Focus. Today uh, we are here again with a new topic. As uh, we always say, topic वो ऐसा होता है जो कि पाकिस्तान की मीशत से डायरेक्टली लिंक्ड होता है और बहुत ही करंट और रीसेंट होता है आज हम बात करेंगे पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज एंड नॉटली इन इन, इन द कॉन्टेक्स ऑफ पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज बल्कि हम देखेंगे कि इसका इंटीग्रेशन विद ग्लोबल मार्केट्स या इसका ग्लोबल मार्केट से लिंक क्या है इसका और हाउ टाइटली को रिलेटेड आर वी विद द ग्लोबल मार्केट्स और द ग्लोबल स्टॉक एक्सचेंजेस पाकिस्तान में स्टॉक एक्सचेंज जो है जैसे कराची स्टॉक एक्सचेंज पहले था वो कराची स्टॉक एक्सचेंज सबसे पाकिस्तान बनने के दो महीने बाद ही महाराज वजूद में आ गया था जो सेप्टेम्बर नाइनटीन और उसके बाद लाहौर स्टॉक एक्सचेंज और इस्लामाबाद स्टॉक एक्सचेंज नाइनटीन सेवेंटी और 1997 में ये दो स्टॉक स्टॉक्सचेंज बन गए थे जब मेन जो ट्रेडिंग एक्टिविटी थी वो हमेशा से कराची स्टॉक एक्सचेंज में ही रही है एटी फाइव टू नाइन्टी परसेंट उसके अलावा फोटीन टू ट्वेंटी परसेंट फोटीन टू फिफ्टी परसेंट बीन इन द लाहौर स्टॉक एक्सचेंज और वन टू फाइव परसेंट इस्लाम आबाद स्टॉक्सचेंज उसी की वजह से अब इनको इसको ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और रोबस्ट और इसको इंटरनेशनल टाइटनेस के लिए इसको ज़्यादा जो है हम इसको मर्ज कर दिया गया है इट्स कॉल्ड पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज एक और इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो कि स्टॉक एक्सचेंज में ग्लोबली Uh, देखा गया वो ये कि लिबरलाइजेशन ऑफ द स्टॉक एक्सचेंजेस अर्ली नाइनटीन में हमने देखा कि बहुत सी इमर्जिंग मार्केट्स ने अपनी स्टॉक मार्केट्स को जो है लिबरलाइज कर दिया जिसका मतलब है कि फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट वहाँ पे आनी शुरू हो गई एंड दे मेड इट मोर लिबरल एंड मोर सॉफ़्ट फॉर फॉरेन इन्वेस्टर्स अपने उन्होंने रेगुलेशन भी इस तरह कर दिए कि फ़ॉर इन्वेस्टर को मजीद अट्रैक्ट किया जाए पा पाकिस्तान में भी नाइनटीन के अराउंड जो है उसी वक्त उसको उन्होंने लिबरलाइज किया uh, जब किसी भी स्टॉक से जो रिब्राइज़ करते हैं तो उसके बहुत से माशी फ़ायदे नज़र आते हैं जो कि पाकिस्तान के केस में हमको इमिजिएटली आफ्टर द रिब्राइज़ेशन नज़र नहीं आए थे आज एक हमारा टॉपिक और डिस्कशन ये भी होगा कि उसकी वजूहत क्या हो सकती हैं हमारे साथ मौजूद हैं जनाब आज़म खान साहब जो कि सी ई हैं सनराइज़ कैपिटल के सर असल वेलकम टू द प्रोग्राम थैंक यू आज हम आपसे सर यही डिस्कस करेंगे दो तीन पॉइंट्स हैं कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज जो है इसका रिलेशनशिप ग्लोबल मार्केट से क्या क्योंकि उसकी वजह में जो मैं इस रीज़न ये टॉपिक रखने का ये है कि जब हम देखते हैं कि कोई बहुत बड़ा वाक्य अगर ऑयल बहुत बड़ा डिप आ जाए तो फिर तो हम इंटरनेशनली जो होता है उसको हम हमारे भी असर पड़ता है उसका बट लास्ट सेवन एट डेज से हमारी मार्केट जो है माशाल्लाह इट इज डूइंग ओके इट इज शोइंग ग्रीन एंड वो बत्तीस हजार को साइकोलॉजिकल जो, जो उस पर खड़ी हुई है और कल भी जो है दो सौ सत्ताईस पॉइंट का गेन हुआ है जबकि इमर्जिंग मार्केट्स और वर्ल्ड वाइड मार्केट जो है वो मुसलसल नीचे की तरफ आ रही <coughs> है।, है तो इससे सवाल ये दिमागे पैदा होता है कि कितना रिलेटेड हम लोग हैं इंटीग्रेटेड हैं विद द ग्लोबल मार्केट इस पर सब थोड़ी रोशनी यस यू आर एब्सोल्युटली राइट बट वी मस्ट टेक द लास्ट वन फर्स्ट क्यों आपने इस तरह से कहा कि ग्लोबली मार्केट्स डाउन है और हमारी जो है वो आप अपसाइड पर बट मुझे ऐसा लगता है कि इस तरह से ट्रेंड नहीं डेवलप हुआ मार्केट में देखिए जब एक डाउन साइड होती है तो उसके बाद एक एक माइनर करेक्शन आपको मार्केट के अंदर नज़र आती है ये okay. एक इंटरनेशनल फिनिना है एक बाउंस बैक अफेट जिसे कहते हैं आप वो एक डेफिनेटली आपको नजर आएगा और ये एक बाउंस बैक अफेक्ट है जिस तरह से आपकी मार्केट थर्टी से इट कम्स टू थर्टी देन अगेन इट्स अराउंड थर्टी तो एक बाउंस बैक अफेक्ट होता है लेकिन ये देखना ज़रूरी होता है कि इज़ इट इज़ इट अ कंटिन्यूस प्रोसेस ये कंसिस्टेंसी इसके अंदर है या नहीं है और ये दोबारा से डाउन हो सकता है तो दिस इज़ द सेम केस विद द इंटरनेशनल मार्केट्स एंड इन द ग्लोबल मार्केट्स एंड द रीजनल मार्केट्स आल्सो सो दीज फोनोमिन आर 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 कैरी फॉरवर्ड बाय दल ऑल एस्पेक्ट्स इसमें पाकिस्तानी मार्केट भी है इंटरनेशनल भी है रीजनल मार्केट भी है तो अब ये देखने में आ रहा है कि पिछले एक दो हफ्ते के अंदर जो करेक्शन हुई थी उसके बाद बाउंस बैक किया इंटरनेशनल मार्केट में भी यूएस की मार्केट ने भी किया ग्लोबल मार्केट ने भी किया फिर पाकिस्तान की मार्केट भी ये कर रही है लेकिन दोबारा से जो ऑयल के प्राइसेस हैं उसकी वजह से फ्लक्चुएशन इतनी ज़्यादा बढ़ गई है और इतना ज़्यादा टेम्पटेशन है मार्केट के अंदर कि जो लॉन्ग टर्म सैनैरियों में एक जजमेंट करने वाले लोग हैं जो अपनी अर्निंग के ऊपर फोरकास्ट करते हैं जो जो पीस के ऊपर करते हैं जो डिविडेंट इल के ऊपर करते हैं दे आर अनसर्टेन क्योंकि आपके हाथ में कोई चीज़ नहीं है हमारी मार्केट के अंदर जितनी कंपनी लिस्टेड हैं आपको स्पेसिफिक कंपनी को स्टडी करना है आप बिल्कुल कीजिए आपको उसमें इन्वेस्टमेंट करनी है आप बिल्कुल कीजिए बट यू कॉन्ट जज द इंडेक्स क्योंकि इंडेक्स इज डायरेक्टली रिलेटेड विद द इंटरनेशनल ऑयल प्राइस क्योंकि उसका एक फैक्टर ये है कि आपकी मार्केट में सबसे बड़ा जो हंड्रेड इंडेक्स में वेटेज है वो ऑयल एंड गैस सेक्टर का है ठीक है और उस ऑयल एंड गैस सेक्टर की वजह से अगर वहाँ से दो डॉलर डाउन होते हैं जैसे कल हुए तो आज आप देख लीजिए उसकी मार्केट में इंपैक्ट आएगा कि फौरी तौर पर जो ऑयल अगर दो रुपये तीन रुपये नीचे खुला ओ जी डी सी पाको पी पी एल तो फौरी तौर पर वो सौ डेढ़ सौ पॉइंट आपके माइनस हो गया मार्केट के अंदर तो आपको ये देखना लाजिम होता है कि आप इंडेक्स के ऊपर देख के काम कर रहे हैं हमारे यहाँ है ये एक बड़ा फैक्टर है जो मैंने समझा है इस इंडस्ट्री में पिछले बीस सालों में कि एक स्पेसिफिक बेंच हम खुद ही ले लेते हैं अपना ओके विदाउट एनी एनी जजमेंट एनी स्टडी एनी रिसर्च अब बताइए कि मैं अगर स्टॉक मार्केट में एज इन्वेस्टर काम कर रहा हूँ तो वाट टू डू विद अ इंडेक्स So, why the reason I have to consider index? If I am going to study or going to invest in a certain company, so I have to take a balance sheet. I have to study the balance sheet. I have to take the research. I have to take all information which okay. I should to take the before, before the, on, the, on the particular company. Okay. And then I have to invest at at, at 10 percent or 15 percent investment okay. on my investment in, in, in the specific stock. Then I have to be sidelined for a year or two or three years or five years. I have to get a certain returns, forty percent, fifty percent, sixty percent. Average it should be twenty percent return, annual returns. Okay. So if if it comes after five years a hundred percent return, so average return of the annual is twenty percent. Okay. तो आपको इंडेक्स से क्या लेना देना आपको ऑयल से क्या लेना देना ऑयल अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है जैसे हमें नहीं आ रहा हम सिक्सटी डॉलर से कह रहे हैं कि अनसर्टे है ट्वेंटी फाइव डॉलर पर लास्ट प्रोग्राम मेरा आपके पास था ट्वेंटी सिक्स डॉलर था तो मैंने कहा यहाँ से बाउंस बैक होगा दोबारा से थर्टी टू थर्टी फाइव डॉलर फिर जा सकता है बट ये कंसिस्टेंसी इसके अंदर नज़र नहीं आ रही है ये फ्लक्चुएट बहुत ज़्यादा करेगा क्योंकि इंटरनेशनल जो फिनमिला डेवलप हो रहा है उसकी वजह से चीज़ें इतनी स्टीमलाइन नज़र नहीं आती हैं क्योंकि ये हमारा तो एक ऑयल बहुत छोटा सा सब्जेक्ट है ना क्योंकि हमारी जो इकॉनमी है वो ऑयल बेस्ड इकॉनमी नहीं है बट दुनिया

इन टर्म्स ऑफ ऑयल इम्पोर्ट इट तो हम पे फ़र्क तो पड़ता है उसका हमें भी फिर इन टर्म्स ऑफ एज एन इम्पोर्टर पे, पे फ़र्क तो पड़ता है पॉजिटिव फर्क पड़ता है ना पॉजिटिव फर्क पड़ता है वो बेटा मगर उससे जो मेरा बेसिक सवाल ये था दोबारा से कि अगर ऑयल से फ़र्क हमें भी पड़ तो रहा है ना तो उसका जो फ्लक्चुएशन है Uh, वो इतना क्लियर नजर नहीं आता जितना कि बाकी मार्केट में नजर आ रहा होता है जैसे इंडिया के ले ऊपर ले लें आप तो दैट इज आई थिंक मोर टाइटली विद इंटरनेशनल मार्केट इन टर्म्स ऑफ ऑयल प्राइसिंग एज वेल तो हमारे में क्या अभी हम लोग उस लेवल तक नहीं पहुंचे इन टर्म्स ऑफ इंटीग्रेशन विद द मार्केट या ऐसा क्या है क्या? Hey, ना मतलब, मतलब मैं नहीं समझता कि दर इज़ एनी लॉजिक कि पाकिस्तान की मार्केट को आप इंडिया से मिला दें या पाकिस्तान की मार्केट को आप जो है वो श्रीलंका या, या या, या बांग्लादेश नहीं श्रीलंका से आप मिला सकते हैं अभी मैंने विजिट किया है रिसेंटली श्रीलंका को वहाँ की मार्केट में इतनी ज़्यादा डेप्थ नहीं है वहाँ की मार्केट तकरीबन आप समझ लीजिए इस तरह से फ्लक्चुएट करती है जैसे हमारे इस्लामाबाद और लाहौर स्टॉक स्टॉक्चेंज की मार्केट फ्लक्चुएट करती थी ना कराची स्टॉक चेंज तो रीजन में मैं समझता हूँ कि इंडिया के बाद सबसे बेस्ट मार्केट है बेस्ट परफॉर्मिंग मार्केट भी है इन टर्म्स ऑफ आपकी लिक्विडिटी भी आपकी मार्केट में आपके पास स्क्रिप्ट भी बहुत सारे हैं और जो कुछ हुआ है पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट में ये मैं बड़ा लाउड एंड क्लियर कह रहा हूँ लोगों को कि जो कुछ हुआ है पाकिस्तान की मार्केट में 2005 के क्राइसिस के बाद दुनिया में इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग काम नहीं हुआ जो रेगुलेटर ने हमारा काम किया है बुरा तो लगता है बात चीज़ों में क्योंकि जाहिर बात है कि आपका डोमेन है उसमें कोई इंटरफेयर करे उसको चीज़ों को करेक्ट करे फॉर द टाइमिंग आपको बुरा तो लगता है मुझे भी लगा दूसरे लोगों को भी लगा होगा लेकिन आगे चल के ये चीज समझ में आती है जो समझदार लोग हैं कि ये आपकी आने वाली जनरेशन के लिए बेहतर हो रहा है या आपके आने वाले लोगों के लिए बेहतर हो रहा है अगर आप इसी स्ट्रीम लाइन पर काम करते रहे तो आगे आने वाले बीस सालों के अंदर आप दो परसेंट रिटर्न कमा सकते हैं जो कि आप इस वक्त बीस बाईस परसेंट रिटर्न कमा फॉर अ कंट्री लाइक पाकिस्तान अगर मैं सही से समझ सक आपकी बात तो रॉन्ग तो हमारे जैसे मुल्क के लिए जरूरी है कि इंडेक्स को इतना ना देखें हम जो, हम हम जो 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 स्पेसिफिक हमारी इन्वेस्टमेंट है उसको ज़्यादा गौर से हम जो राइट एक ज़्यादा क्लियर फॉर्म इंडेक्स लिस्टेड नहीं है ना आपका अगर अगर दुनिया की दूसरी मार्केटों की तरह इंडेक्स को लिस्ट कर दें लिस्टेड है दुनिया में इंडेक्स अगर आप पाकिस्तान को लिस्ट कर दें इंडेक्स को तो आपको इंडेक्स को देखना चाहिए कि भाई आज मैंने इंडेक्स में थर्टी टू थाउजेंड एट हंड्रेड के इंडेक्स में मैंने दस लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट की है कल ऑयल जो है वो तीन डॉलर एकदम नीचे हो गया तो आप तो उसमें कुछ नहीं कर सकते क्योंकि वो तो इतना बड़ा इंटरनेशनल फोरम है कि उसमें तो पाकिस्तान की इकॉनमी क्या अमेरिका की इकॉनमी कुछ नहीं कर सकती है उसका अपना एक डोमेन है उसकी एक अपनी अंडरस्टैंडिंग है तो आपको उसमें लॉस होगा सुबह ठीक है ना तो देर इज अ वेरी फैक्टर साइन कि भाई अब क्या होगा मैंने तो थर्टी फाइव डॉलर पर इन्वेस्टमेंट की है अब ट्वेंटी सिक्स डॉलर हो गया अब मैं अगर काम कर रहा हूं पी टी सी एल के अंदर पी टी सी एल की रिसर्च अलग है पी टी सी एल का काम अलग है पी ट सी एल की मैनेजमेंट अलग है देर इज नथिंग टू डू विद ऑयल ठीक है ना वो दस डॉलर हो या वो दो सौ डॉलर हो जाए तो मुझे मुझे आज आज हमें मुझे वेरी वेरी फैक्टर साइन क्या है मेरे पास okay. मुझे परेशान होने की ज़रूरत क्या है लेकिन हमने एक कॉन्सेप्ट बिल्डिंग कर ली है बेसिकली कि मतलब एक चीज़ को आपने क्रिएट करना है और एक चीज़ को आगे लेके जाना है तो जब सौ डॉलर था जब भी आपकी मार्केट ने परफॉर्म किया आपने खुद देखा है आप इतने तो अगर आप एक वो आगर, ये अगर था था आप, एक, आप, एक, आप एक एक, एक, एक एवरेज सौ डॉलर लगा लें तो सौ डॉलर की मार्केट में भी हमने एक बेंच मार्क बनाया स्टॉक में मुशरफ साहब के दौर में सिक्सटी डॉलर था उस वक्त उस वक्त भी हमने पंद्रह से सात का इंडेस बनाया जरदारी साहब के दौर में जो है वो नब्बे डॉलर था फिर हमने उसके बाद इंडेक्स नया बनाया हमने इस तरह से जब ये ये गवर्नमेंट आई पी एम एल एन की दो हज़ार तेरह के अंदर उसके बाद हमने एक सौ आठ डॉलर के ऊपर भी ऑल को देखा अगर एवरेज कर लें सौ डॉलर पर उस पर भी हमने नए पीक्स बनाए थर्टी सिक्स थाउजेंड का लेवल आपने अचीव किया तो, तो, तो दिस इज द गोल्डन अपॉर्चुनिटी मैंने पहले भी एक प्रोग्राम में कहा था कि ये मुस्लिम लीग नून को और फाइनेंस मिनिस्टर साहब को एक गॉड गिफ्टेड एक चीज़ मिली है

क्या चीजें जो आपके ख्याल से उसको फायदा पहुंचा सकती हैं जो जो ये इन, इन, इन स्टेप्स लेने चाहिए तो इनको एक 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 कर, 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 है।, है इसका फायदा हमें एनर्जी सेक्टर में भी है इसका फायदा ओवरऑल मई के ऊपर है हर चीज में प्राइस कम आ गई है पास ऑन होना चाहिए क्या फवाद मई हम देख सकते हैं ओनली स्पेसिफिक टू स्टॉक मार्केट देखिए तो देखिए सबसे बड़ी बात है कि जो 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 जब आपको इकोनॉमी के ऊपर फ़ायदा पड़ता है तो डेफिनेटली इकॉनमी से डायरेक्टली को रिलेटेड है आपकी स्टॉक मार्केट बैरोमीटर आपकी इकॉनमी का स्टॉक मार्केट ही है ना जिस तरह से आपकी इकॉनमी की बैकबोन अगर स्टॉक मार्केट है और वो चला रही है और वो तमाम चीज़ों को आपको लेके चल रही है आगे इससे बहुत मेजर इन्फ्लूस होते हैं तो अगर आपकी आपके सबसे बिगेस्ट इंपोर्टर हैं आप और आपको उसमें बेनिफिट होता है और वो बेनिफिट आपकी इकोनॉमी में आता है और जो आपका टैक्स का डेफिसिट है उसको आप बहुत बेहतर तरीके से मैनेज कर पाते हैं तो डेफिनेटली इकॉनमी आपकी स्ट्रीम हो में जाएगी तो आप कह रहेगा बताइए कि इसके जो असरात हैं जो कि इकॉनमी इकॉमी आएंगे उसको ऑटोमेटिकली पास ऑन होंगे मार्केट हर चीज़ सवाल फिर ये है कि नेक्स्ट कम टू फॉरन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट दें सही है पाकिस्तान में जो है काफ़ी हमने देखा है कि काफ़ी वो पिछले दिनों काफी फॉरेन इन्वेस्टर ने जब अपने पैसे विड्रॉ किए आई थिंक 315 मिलियन 2015 में थे और साल के शुरू से अब तक छियालीस मिलियन जा चुके हैं तो जो कॉस्ट ऑफ इक्विटी है जब फॉरेन इन्वेस्टमेंट आती है तो उसकी वजह से उसका उस उसमें रिड्यूस होती है वो अब हम इन इन आर केस ऑयल प्राइस तो कम हो गई बट फॉरन इन्वेस्टमेंट भी बाहर जा रही है तो वो एक फैक्टर भी फिर बड़ा देख, देखने वाला है फिर तो देखिए देखिए मैं आपको बिल्कुल आप सही कह रहे हैं अगर अगर आप जिस तरह से आपने जारी बात जो एक आम इन्वेस्टर है उसकी क्यूरीज़ ली होंगी वही सवाल फिर आप हमें देते हैं हम उसका जवाब देते हैं मैं ही देखता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर जो इन्वेस्टर है ना एक तो वो बहुत ही न्यू बॉर्न है अभी वो दो के क्राइसिस के बाद चला गया था दो हज़ार आ गया फिर दस में फिर चला फ़ॉरन इन्वेस्टर भी और लोकल भी चलो दोनों और लोकल ज्यादा घबराता है फौरन इतना नहीं घबराता लोकल भी, in ने, 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 भी, ने, ने, ने भी डेटा दिया उसके हिसाब से दो लाख तीस हज़ार कुछ उसमें exactly. उस से पैंतीस हज़ार यू एन कुछ ऐसे हैं जो मंथली काम करते हैं खाली मतलब आप अंदाजा कर सकते हैं कि नहीं है यू आर राइट बट आप ये समझिए कि मैं ये बात कहता हूँ कि आज नहीं है 2025 में आप ले लीजिए आपके साथ बहुत बुरा भी हुआ है मैं अच्छी बात ही नहीं करने आया सारे यहाँ पे 2005 में जो कुछ हुआ पूरी दुनिया ने देखा ठीक है ना ना उसके केसेस का पता है ना उसकी चीज़ों का पता है ना उसके लोगों का पता है बीस हजार ख़ानदानों गए फिर दो के आए एक दिन के लिए स्टॉक मार्केट बन गई फाइनेंस मिनिस्टर साहब उस वक्त के जो थे वो भी आज़ाद घूमते हैं आज तक right. कोई पूछने वाला नहीं है ये सबसे बड़ी करप्शन है पूरे पाकिस्तान के अंदर दुनिया की सबसे बड़ी करप्शन है yes, आप एक टारगेट क्लियर कर तो रोड पर खड़ा होकर पकड़ लेते हैं कि उसने किसी आदमी को मारा है लेकिन उस बीस हज़ार खानदानों का क्या है जिनके पूरे पूरे, पूरे खानदान मार दिए right. जिनकी पूरी पूरी बीस बीस साल की इन्वेस्टमेंट ले गई क्या नैब को क्या दूसरे इदारों को ये लोग नजर नहीं आते इनको इनको लेना चाहिए अंदर इनको एक दो लोगों को जब आप सजा देंगे ऐसी और मिसाल कायम करेंगे इस अट्ठारह बीस करोड़ आवाम के सामने तो फिर जाके लोगों को आएगा ख्याल कि मैं अपनी जेब से पैसे निकाल

आपने कौन सा मैं नी? तो नहीं सीख सकता ना ये नहीं, नहीं।, बड़ गाएड बड़ गाएड बड़ नहीं, नहीं, आप सीख सकते हैं उसमें होता है क्या है आप मुझसे तो नहीं सीखेंगे बट आप रात को जाके जब फेसबुक पे सोशल मीडिया पे बैठेंगे और उस पर सौ फोरम बने हुए हैं और सौ में से निन्यानवे फोरम ऐसे हैं जिनका कोई डायरेक्टली ताल्लुक ही नहीं है सौ लोगों ने अपने अकाउंट बनाए हुए हैं जो अपनी इन्वेस्टमेंट्स को जो है वो प्रमोट कर रहे हैं और वो पाँच या लाख दो लाख शेयर लेते हैं और आके उन्होंने सौ दो सौ या पाँच लोग जमा कर लिए हैं आप उस पर तो बिलीव कर लेते हैं तो इसका मतलब यू आर रॉन्ग आई एम नॉट रॉन्ग मैं तो अपना काम करके गया सुबह एक घंटे आपने मेरी बात को नहीं समझा लेकिन आप उस चीज़ पे देज़ु आप देज़ु। उस चीज़ पे चले गए तो अब ये आपकी कॉल है ना कि वेयर यू यू वांट टू गो आपको राइट जाना है या लेफ्ट जाना है मैं तो 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 right अब सिंपल बात यह है कि आपको स्टडी करनी है आपको चीजों को समझना है आपको हम, हम हम कर रहे हैं हम एज एज अट पार्ट ऑफ सन एस अवेयरनेस प्रोग्राम हम कर रहे हैं हम लोगों को बुलाते हैं उनसे क्यूरीज लेते हैं उस, अभी हमने फोरम्स पे पार्क टावर्स पे यहाँ पे सब जगह पे पेप पब्लिक प्लेस अच्छा। तक पे वर्कशॉप के अलावा भी हमने पब्लिक अच्छा। प्लेसेस तक, अच्छा। तक पे खड़े होकर अपनी टीम को लोगों को रोक रोक के पूछा है कि वॉट यू थिंक अबाउट स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट तो उन्होंने हमें जवाब दिए कि जी वो सट्टा है वो जुआ है एक के दो हो जाते हैं दो के चार हो जाते हैं किसी ने मुझे फिजिकल शेयर पकड़ा दिए किसी ने मुझे चूना लगा दिया उन्होंने वो शेयर दे दिए जो कंपनी डिफॉल्ट हो गई मतलब आप बिलीव करेंगे मुझे कि 100 में से नाइन एट ऐसी आई हैं और ऐसे ऐसे पढ़े लिखे लोग काबिल लोग जो अच्छे जो जिनको अच्छी आप एक एक एजुकेशन आप एक सर्कल से या लाइफ से आए हुए होते हैं वो उनकी तमाम लाइफ बैलेंस है बट वैन यू टॉक अबाउट इन्वेस्टमेंट एंड वैन यू सी द पोर्टफोलियो यू वॉन्ट बिलीव कि ये आदमी और ये शख्स ये शेयर्स ले सकता है मतलब देर इज नो लॉजिक इफ़ आई से टू यू जस्ट जस्ट राइट मी थ्री लाइन्स अबाउट दिस स्क्रिप्ट कि एक एक्स वाई वाइज एड स्क्रिप्ट है इसके बारे में तीन मुझे कोई बुलेट पॉइंट दे दीजिए मतलब यू कॉन्ट ओके okay. ठीक है ना और वो आप जैसे देंगे फिर उस पर इंक्वायरी होगी okay. एस सी की फिर वो लोग आप बिला वजह फंसेंगे उसमें तो बॉटम लाइन ये है कि इस तरह से लोगों को मिसगाइड भी किया गया इस तरह से लोगों को बताया भी गया है इस तरह से लोगों को इस तरह के काम इसलिए वो बहुत ज्यादा डरे हुए हैं इसीलिए हम अवेयरनेस सेशन कर रहे हैं कि भाई सी मौजूद है एस ने अपना एक सिस्टम लगा दिया है जमा पूंजी इस तरह से स्टॉक मार्केट में ब्रोकर्स हैं हमारी आप इंक्वायरी है आप एस से करें स्टॉक से करें आप करें अभी एस एस ने देखिए एग्जाम्पल देता हूँ हम सब ऐसी बातें करते हैं जो सिर्फ ख़राब होती हैं अच्छी भी होती हैं एस एस ने भी रिसर्च के ऊपर एक 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 रिपोर्ट कंडक्ट की कि जी जो, जो रिसर्च रिपोर्ट कर रहे हैं हाउसेज़ वो अपनी रिसर्च देते हैं हमने उनको रिसर्च दी दो महीने पहले उन्होंने हमसे रिसर्च ली उन्होंने हमसे हमने हमारे रिसर्च स्टाफ का क्वालिफिकेशन ली वो हमने दी उन्होंने उनका एक्सपीरियंस लिया हमने दिया उन्होंने सर्टिफिकेट्स लिए हमने दिए वो डेढ़ महीने तक तो उस पर काम करते रहे फिर उन्होंने रिसर्च रिपोर्ट्स ली फिर उन्होंने उसको मैच किया हमारी सी से बाकी चीज़ों से कहीं हम रिसर्च देने के बाद उस पर फंडी सब कुछ करने के बाद दे इशू में या सर्टिफिकेट कि जी ये आपका रिसर्च

ठीक है ना right. तो मेरा एक फैक्टर वेटेज वाइज ऑयल सेक्टर का जो वेटेज है, है, तो well. uh, well, है फिर भी अच्छा अच्छे कर, ते कर, कर रहे हैं लोग टेन परसेंट वेटेज इन ऑयल उससे इतना फर्क फिर क्यों क्या सारी फॉरेन इन्वेस्टमेंट सिर्फ है ही ऑयल में आपने बिल्कुल सही पॉइंट लिया ऑयल एंड गैस सेक्टर में बेसिकली हुआ यह कि 2012 दिसंबर तक आपकी स्टॉक मार्केट डेड थी बिल्कुल 2000 2012 दिसंबर गार गार। ये 2009 में जब नई गवर्नमेंट बनी है आ, उसके बाद से लेके 2012 दिसंबर तक स्टॉक मार्केट में एवरेज जो हमने रिपोर्ट निकाली अपनी 30 मिलियन शेयर का काम था बॉटम लाइन ये थी कि मार्केट बहुत फ्लक्चुएट करती थी तो सौ डेढ़ सौ पॉइंट फ्लक्चुएट करती थी जहाँ खुलती थी वहाँ बंद हो जाती थी दस साढ़े नौ से लेकर ग्यारह बजे तक काम होता था उसके बाद इसकी लाइटें बंद हो जाती थीं अच्छा। ये लाइटें जलना शुरू होती थी फिर एक डेढ़ बजे के बाद तो लोग इतने ज़्यादा एग्जॉस्ट हो गए थे दो हज़ार में मुझे ये एक्सपीरियंस बहुत अच्छी तरह इसलिए याद है कि मैंने अपना जो वेंचर स्टार्ट किया वो दो हज़ार नौ में स्टार्ट किया और दो हज़ार आठ तक जो है वो एक डिफरेंट सिनेरियो था तो वो एक जिंदगी का इतना इतना बड़ा एक्सपीरियंस है मेरा कि आपने जब इन्वेस्टमेंट की हो नया वेंचर स्टार्ट किया हो चीज़ें हों और आपके बहुत बड़े आपके ख्वाब हों और आपकी बड़ी एक हिम्मत हो बड़ी एग्रेसिव टीम हो आपके पास लेकिन एकदम जो है वो समंदर उग जाए एक जगह के ऊपर और शिप आगे ना चले तो, तो आप लागी क्या, लागी। क्या करेंगे आपके पास टाइटेनिक हो या आपके पास एक क्रूज़ हो आप कुछ नहीं कर सकते अगर पानी स्टेगनेंट हो गया और उसने आपको जगह फ्रीज कर दिया तो मेरी हमारी मिसाल ऐसी थी तो उसके 12 के बाद दिसंबर के बाद जब मार्केट ने रिवाइवल शुरू किया तो सबसे पहले इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स ने आना शुरू किया जब गवर्नमेंट का डैम हुआ जाने का 2013 में इलेक्शन थे 12 आ गया उनको यकीन हो गया कि अब गवर्नमेंट आएगी नहीं आएगी और उसकी पॉलिसीज थोड़ी बेहतर होंगी उसकी इकानमी बेहतर होगी उसका फाइनेंस मिनिस्टर शायद बेहतर होगा तो वो एक ग्रेजुअली इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान के अंदर आना शुरू हुई और उसने सबसे पहले शुरू किया एंड गैस सेक्टर से okay. और वो सबसे पहले आया टेम्पल्टन एक एक, एक फंड है वो आया वो जो कि इसमें इन्वेस्टमेंट की ओजीडीसी के अंदर ठीक है ना ओ में इन्वेस्टमेंट आपको पता है कि ओ का जो एक रुपये का इजाफ़ा है वो अभी भी सोलह पॉइंट स्टॉक मार्केट के अंदर बनते हैं okay. तो जब वो आया और उसने इन्वेस्टमेंट शुरू की तो स्टॉक मार्केट में थोड़ा सा व्यवहल नजर आया okay. फिर लोगों के आपस में क्यूरीज होती हैं कि भाई इंटरनेशनल इन्वेस्टर आ रहा है क्यूरीज आ रही हैं ब्लूमबर्ग के ऊपर आज एक ऑर्डर लग गया भले दो लाख या पाँच लाख शेयर का लगा लेकिन पहला ऑर्डर लग गया क्योंकि जब ऑर्डर लगते हैं तो इस तरह तरीका क्योंकि हमने दो में ये जे मॉर्गन का काम शुरू किया तो जो पहला ऑर्डर लगता है ना उससे अंदाजा हो जाता है कि जब ऑर्डर आ गया तो फिर ऑर्डर कंटिन्यू करता है वो okay. ये नहीं होता कि आज आए दो लाख शेयर लिए और उन्होंने कल कहा कि बस यार खत्म करो हमने नहीं लेना क्योंकि उनकी एक अगर उनकी सेवनटी एटी बिलियन डॉलर के पोटफोलियोज हैं आप ये देखिए ना आपकी सेवेंटी बिलियन डॉलर की मार्केट है वहाँ का एक फंड एटी बिलियन डॉलर का है That's तो डेफिनेटली एक, एक अगर पॉइंट भी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो आपकी पाँच छः सौ मिलियन डॉलर तो वैसे बन जाती है okay. तो अगर वो आए तो फिर उन्होंने जब ये इन्वेस्टमेंट शुरू की तो वो ऑयल एंड गैस सेक्टर में आए वो वो ओ में आए सबसे पहले ओ का वेटेज बहुत ज़्यादा था ठीक है ना उसका एक अब आप बताया कि क्या रेशो है उसका वहां से मार्केट का रिवाइवल हुआ अच्छा जो इन्वेस्टमेंट फॉरेन पोर्टफोलियो में होते जो बाहर के इन्वेस्टर आते हैं क्या वो खुद स्टडी करके आते हैं या फिर हमारी जो आप लोगों जैसी कंपनीज है वो भी उनको इन्फ्लुएंस कर सकते हैं कि यार ठीक है ऑयल एंड गैस इज नॉट 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 डूइंग दैट वेल डेज बैंकिंग फार्मा तो ये एक आई थिंक एक फैक्टर है जो कि मार्केट को हमारा ज्यादा ऊपर ले जा सकता है तो हम लोग इसमें कुछ है हमारे वट आई फील अबाउट इंटरनेशनल इन्वेस्टर दे आर एक्सट्रीमली स्मार्ट राइट नाउ उजेंड फोर एंड टू थाउजेंड फाइव आई रिमेम्बर दैट टाइम वेन वी वर्क विद टेम्बल्टन एंड जे पी मोर्गन तो वो उनको इतनी एडजमेंट इतना अंदाज़ा नहीं था वो आते थे हम उनको कॉल्स देते थे रिसर्च रिपोर्ट देते थे वो समझते थे उसके बाद वो एक्जीक्यूट कर देते थे अब उनके साथ भी इतना बुरा हुआ है लोकल इन्वेस्टर के साथ साथ दो हज़ार पाँच में आठ में उनके साथ भी इतना बुरा किया गया है और हुआ है कि अब वहाँ पर बिलीव नहीं करते okay. वो एक तो थर्टी इंडेक्स हंड्रेड इंडेक्स के ऊपर जाती नहीं है ठीक है सबसे पहली बात हालांकि आपके पास फाइव एटी थी या फाइव सेवेंटी अराउंड हाँ तकरीबन ऐसी कंपनीज़ हैं आपके पास एक्जैक्ट exactly. आप बताइए हम क्या कर रहे हैं अगर आ, मैं आप मैंने आपसे कहा पैतीस हज़ार पैंतीस हज़ार यू आइन अगर आपके पूरे महीने काम कर रहे हैं और अभी तक दो लाख दो ढाई लाख यू आई है तो आप ये भी तो देखिए कि साढ़े पाँच सौ कंपनीज़ में से हम सिर्फ हंड्रेड इंडेक्स हर्ड इंडेक्स से बैठे हुए प्लस ये कि वो अपनी जजमेंट करते हैं उनकी अपनी रिसर्च टीम है आप बिलीव करेंगे पहले उनके पास रिसर्च टीम नहीं थी अब उनके पास अपनी रीजनल रिसर्च टीम है जो रीजन को रिसर्च करती हैं सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं स्पेसिफिक रीजन को रिसर्च करती हैं वो रिसर्च बना के उनको देती हैं फिर वो आपसे क्यूरी लेते हैं ओके ठीक है ना वो आपसे ब्लूमबर्ग में पूछते हैं कि भाई ये चीज़ है इस पर डिबेट कर लें डिस्कशन कर लें या आप जो है वो हमसे आर्ग्यूमेंट कर लें इसके ऊपर या आप कोई हमें हमें ब्रीफिंग दे दीजिए या या कोई ऐसी ऑनलाइन आके कोई चीज़ बता दीजिए हमें फिर जब आप सही होते हैं और वो आपके क्लाइंट होते हैं वो फिर आपके पास आके वो एग्जीक्यूट करते हैं बट एग्जीक्यूशन के भी तरीके उनके बड़े डिफरेंट बैठक आपको रोकूंगा एक ब्रेक पे जाना है विल जस्ट गो फॉर अ शॉर्ट ब्रेक विल कम बैक एंड कंटिन्यू बैकिन्यू डिस्कशन वहीं से स्टार्ट करेंगे जहाँ से अभी खत्म करें जस्ट विल कम बैक सो थैंक यू नाजीन वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक ब्रेक से पहले हम डिस्कस कर रहे थे कि जो फॉरेन इन्वेस्टर उसका साइकोलॉजी या वो किस बेस पे इन्वेस्ट पाकिस्तान में करता है स्टॉक एक्सचेंज के अंदर वापस हम डिस्कशन कंटिन्यू करेंगे सर प्लीज़ आप बता रहे थे कि ऑयल एंड गैस सेक्टर में मेजर इन्वेस्टमेंट की फॉर इन्वेस्टर ने आकर और अब उनकी रीजन टीम्स बन गई हैं बिकॉज ऑफ मिस हैपन वो अपनी रिसर्च खुद कंडक्ट करके खुद फैसले करते हैं बट क्वेश्चन अगेन है सर कि अगर वो थोड़ा सा कर बट म श्योर दे मस्ट यू मस्ट भी हैविंग रिलेशनशिप विद योर क्लाइंट्स आउटसाइड एज वेल और एक जो आपकी अपनी रेपो होती है वो एक ब्रॉडर रेपो से ज़्यादा अच्छी होती है yeah. और आपको चाहे ट्रस्ट लेवल उनका वैसे कंट्री के ऊपर थोड़ा सा हिल गया हो बट आपके साथ जो एक क्लाइंट कस्टमर रिलेशनशिप वो उनकी अभी भी होगी तो आप लोग क्यों नहीं उनको दूसरे सेक्टर्स के ऊपर डायरेक्ट करते हैं। नहीं देखिए बेसिकली हम करें या कोई भी करे बॉटम लाइन ये कि कर रहे हैं काम हो रहा है बहुत तेजी से काम नजर तो नहीं, नहीं आ रहा मूव करते वो ना वो तो देखिए दे दे, स्पेसिफिकली दे, 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 आप इससे अंदाजा कीजिए अगर रोजाना आपकी तीन चार मिलियन डॉलर की आउटफ्लो इनफ्लो है ये तो आप एक एवरेज एक एक टैगलाइन देखते हैं कि जी इतना इनफ्लो हुआ इतना आउटफ्लू हुआ उसके पीछे कितना बाय हुआ कितना सेल हुआ ये आपको रिपोर्ट शायद इतनी डिटेल में नहीं आती है लोगों के पास कि भाई आठ आठ नौ नौ डॉलर का आउटफ्लो इनफ्लो हो रहा है और एवरेज आपका तीन चार मिलियन डॉलर या तो आउटफ्लो हो जाता है या इनफ्लो हो जाता है okay. बहुत बड़ी अमाउंट है, है पाकिस्तान के लिहाज से okay. पाकिस्तान की करेंसी जितनी ज़्यादा डी वैल्यू हुई है और जो हाल किया गया है उसका पिछले चार पाँच सालों में उसके हिसाब से तो आपकी बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है okay. और ये समझ लीजिए कि बहुत कुछ अच्छा हो रहा है पाकिस्तान में या होने वाला है जिसकी वजह से आपको इतने मेजर नज़र आ रही हैं चीज़ें वरना आप बिलीव करें 2009 से लेकर 2012 तक मुझे अच्छी तरह से याद है आपके तो कोई पॉइंट फाइव मिलियन डॉलर भी काम नहीं होता था पाँच लाख डॉलर भी कोई लगाने को या बेचने को तैयार नहीं होता था okay. अगर हो जाता था तो लोग पूरी मार्केट में शोर हो जाता था, था कि भाई आज ये काम हुआ है और इस तरह हुआ है आज दस दस मिलियन डॉलर आपका आउटफ्लो हो रहा है और इनफ्लो हो रहा है और एवरेज तीन चार पाँच मिलियन डॉलर जब मार्केट ही चली है आपकी दो जनवरी से लेकर और जुलाई दो तक और जुलाई के बाद से मार्केट इतनी एक्टिव नहीं रही है अनफॉर्चुनेटली चार पाँच महीनों के अंदर तो एवरेज आपका जो है वो आठ से दस मिलियन डॉलर का भी आउटफ्लो इनफ्लो चला गया था एवरेज okay. तो इसका मतलब है वो दस मिलियन डॉलर से भी शूट कर गया था ऊपर इन टर्म्स ऑफ लाइक टॉकिंग अबाउट इन ग्लोबल मार्केट्स विद पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज अब इस वक्त तो आउटफ्लो ज़्यादा नज़र आ रहा है हमको फॉरन इन्वेस्टमेंट का उसको रोकने के लिए या उसको दूसरे सेक्ट बिकॉज ऑयल मेजर रीज़न इसका ये नजर आता है कि ऑयल एंड गैस क्योंकि वो ऑयल जो है वो बहुत प्रेशर में है तो जितना भी फॉर इन्वेस्टर है वो यहाँ से भागने की उन, उन सेक्टर से निकलने की कोशिश कर रहा है तो वाई कॉन्ट यू स्टॉप दैट इन्वेस्टर उस इन्वेस्टर को वहाँ क्यों नहीं रोक लेते कि ठीक है यार यहाँ से निकाल के इन्वेस्ट इन सम अदर सेक्टर देखिए ऐसा हो रहा है मतलब बिल्कुल आपने सही कहा ऐसा हो रहा है अब ऐसा नहीं है कि इन्वेस्टमेंट निकालेंगे तो वो चले जाएंगे लेके पैसे ऐसा नहीं, तो नहीं है आउटफ्लो हो रहा है ना आउटफ्लो तो तो हो रहा है लेकिन मैंने आपसे कहना कि वो उसकी परसेंटेज ऑयल में बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट है अच्छा। अगर फॉर एग्जाम्पल वस मिलियन डॉलर अगर आठ मिलियन डॉलर वो ओ से निकालते हैं वो आगे छह मिलियन या पांच मिलियन शेयर ओ जी के बेचते हैं तो उसकी एक तो रेट में बहुत फर्क है ठीक है ना जो इन्वेस्टमेंट वो करने आ रहे हैं अब अभी बैंक लेने आएंगे तो उसका रेट दो सौ का

इफ़ देर इज़ नथिंग तो इट्स अ वेरी फैक्टर्स आइन कि भाई क्यों नहीं हो रहा क्यों कहाँ का इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स क्या वो वो पाकिस्तान को आगे सही नहीं देख रहे क्या कुछ ना लेकिन अगर वो इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और लेके जा रहे हैं और लेके आ रहे हैं तो इट मीन्स कि आपको आप बिलीव करें कि आपको शायद पाँच मिनट बाद पता चलती हो स्टॉक मार्केट की खबर या इंडेक्स के बारे में गोरे को इस वक्त दो हर दो सेकंड के बाद पता है कि दो क्या दो हो रहा है क्या नहीं हो रहा है अगर आप एक डील होती है ना उसके पाँच मिनट के बाद उससे पूछ लीजिए उसको पता होता है कि वो डील कहाँ से हुई है और किसने कराई है और किस रेट के ऊपर हुई है तो उसका मतलब ये हुआ कि जो वर्ल्ड वाइड जो मैक्रो जो आई एम जब भी कोई रिव्यू जैसे भी टेंथ रिव्यू खत्म हुआ है उस रिव्यू के बाद भी उन्होंने पाकिस्तानी इकानमी के बारे में बड़ी अच्छी बातें की बिल्कुल हैंक इट्स गोइंग अब हमको यहाँ रहते हुए नज़र आता है कि शायद थोड़ी चीज़ें ऐसी नज़र नहीं आती बट जो जटरनेशनली जो है जो इन्वेस्टर है वो उसको बाय कर रहा है एंड दे आर इन्वेस्टिंग इन दी सेक्टर्स बिकॉज ऑफ सी पैक एक सबेंट इंडस्ट्री में भी आपको नज़र yeah, आ रहा है कि एक इन्वेस्टमेंट है बिल्कुल गुड सर ये uh, जो हमारे जो इंटीग्रेशन अगेन विद जो ग्लोबल मार्केट्स है अगर इसकी ये ये कितनी जरूरी होती है किसी स्टॉक चेंज के लिए बिंग इन द मार्केट लाइक इन द इंडस्ट्री फॉर सो लॉन्ग इसका हो जैसे वो एक एक थोड़ी सी साइंटिफिक सी बात है जो मैं थोड़ी देख रहा था कि वो कोफिशेंट ऑफ इंटीग्रेशन एक देखते हैं तो क्या वो अप्लाई करता है पाकिस्तान जैसी मार्केट्स मुल्क की मार्केट्स पर या वो जैसे आप पहले कह रहे थे कि हमको तो उसको नॉट ऑन द इंडस्ट्रीज बेसिस इट शुड बी मोर मो ऑन द कंपनी लेवल तो सर कोई फर्क पड़ता है जी सॉरी जैसे आप टाइप की कंपनीज जो है वो इस टाइप की रिसर्च वगैरह करते हैं क्या ये लोग देखिए देखिए बेसिकली वॉट आई फील एंड वाइट इंडस्ट्रैंड हमें कोई फर्क नहीं पड़ता ओके ठीक है ना एज एज अगर अगर एज अ ब्रोकरज इंडस्ट्री पूछे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता okay. एज अ म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री पूछे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता एज अ लोकल इन्वेस्टर पूछे मुझसे आप मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता आयदर इन कराची स्टॉक्स हैं लाहौर और इस्लामाबाद तो बट बट होना इक्वल चाहिए था इक्वल एक तो था नहीं ठीक है ना रेशियो में बहुत मेजर फर्क था ठीक नाइन्टी परसेंट अगर स्टॉक चेंज संभना था तो छह सात परसेंट आपका लाहौल था बाकी इस्लामाबाद था। था। बहुत मेजर डिफरेंस था तो एक वो फिनोमिना भी है जब पाकिस्तान एक है 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 एक है, कौम एक है, तो एक चीज होनी चाहिए एक प्लेटफॉर्म होनी चाहिए किसी को एहसास कंपनी नहीं होना चाहिए कि लाहौर का मेबर सोचे कि यार मेरी मार्केट में सिर्फ बीस लाख शेयर का काम हुआ और कराची में आज दो सौ मिलियन शेयर का काम हो गया भाई वो भी तो बिजनेस मैन है वो भी तो काम कर रहा है इसी तरह इस्लामाबाद वाले कोई फीलिंग नहीं क्योंकि सब एक ही कॉम है एक ही भाई हैं और सब एक ही एक ही सिस्टम से निकल के आ रहे हैं हम लोग और सबने पाकिस्तान के लिए काम करना बॉटम लाइन यही है तो हुआ ये ये है कि ये तो एक एक, तो एक फैक्टर नजर आ रहा था पिछले काफी सालों से प्लस ये हुआ कि जब ये आगे गए शेयर्स को देने के लिए इंटरनेशनल मार्केट के अंदर इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स को लेने के लिए तो उन्हें टेक्निकली बहुत प्रॉब्लम हो रही थी एक तो बैलेंस शीट वो देते थे लाहौर की फिर एक इस्लामाबाद की फिर एक कराची की अब उनको रेशो समझ में नहीं आ रहा था किस रेशो से हम काम करेंगे किस रेशो से हम शेयर्स लेंगे किस किस रेशो से हम आएंगे प्लस उस हालात में पाकिस्तान के लॉ एंड ऑर्डर पाकिस्तान की इकॉनमी बहुत खराब थी स्पेशली लॉ एंड ऑर्डर बहुत खराब थे तो वो फैक्टर तो 70 परसेंट तो वैसे ही माइनस हो जाता था 30 परसेंट वो यहाँ पे आके कंफ्यूज थे कि भाई ये स्टडी करने में बड़ा मुश्किल हो रहा है हमें समझ में नहीं आता कि ये एग्जीक्यूशन किस तरह से होगी और किस रेशो से हम क्या काम करेंगे तो थर्टी तो परसेंट वाला फैक्टर है सेवेंटी परसेंट तो आपके हाथ में नहीं है ठीक right. है ना वो वो सेवेंटी परसेंट में लॉ एंड ऑर्डर है और इकोनॉमी है वो एक चीज़ आपकी आर्मी संभाल ली और एक चीज़ आपकी जो है वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान संभाल ली right. फाइनेंस मिनिस्ट्री थर्टी परसेंट का ये फैक्टर ये किया गया कि जी इस चीज़ को कवर अप कर लें आप और इसको एक बना दीजिए लाहौर को इस्लामाबाद कराची को ताकि एक बैलेंस शीट हो जाए एक सिस्टम हो जाए वो यहाँ आए विजिट करें देयर शुड बी द वन बैलेंस शीट और वो आगे सिस्टम को देखें और फिर अपने जो इन्वेस्टमेंट करनी है वो आप करें ठीक ठीक तो मतलब इसका जनरल जो फायदा नजर आया वो नजर आया एक सारी कंसोलिडेटेड नजर आ जाती है एंड एंड दिस बेनिफिट ओनली फॉर इंटरनेशनल बायर ठीक okay. है ना जो स्टॉक जो, जो आपने सवाल किया था इंटरनेशनल इन्वेस्टर वो नहीं जो स्टॉक मार्केट के शेयर्स लेने आ रहा है इंटरनेशनल इन्वेस्टर वो जो स्टॉक मार्केट को लेने के लिए आ रहा है ठीक okay. है ना क्योंकि ये शेयर्स बेचने जा रहे हैं स्टॉक मार्केट के ताकि उसका बेस बढ़ जाए और वो बेनिफिट हो क्योंकि ट्रैक होल्डर कर दिया तमाम मेंबर्स को उन्होंने तो उसकी वजह से ये काम किया गया है ये वो इन्वेस्टर नहीं है कि जेपी मॉर्गन या टेम्बल्टन आया उसने ओजीडीसी लेने तो उसको फायदा होगा कि जी मैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में काम कर रहा हूँ okay. उसको कोई ताल्लुक नहीं है इससे वो ग्राची स्टॉक एक्सचेंज में काम कर रहा था उससे खुश था मैं भी खुश था आप भी खुश थे कोई मसला नहीं था ये उन लोगों के लिए जिनको ये बेचना चाह रहे हैं अपने स्टॉक मार्केट के शेयर स्टॉक मार्केट की अपनी होल्डिंग ठीक है ना क्योंकि वो चाहते हैं कि जी अगर वो ले लेंगे तो स्टॉक मार्केट आपके इंटरनेशन

टी में सब अपने अपने इंडिविजुअल रोड शोज तो करते हैं और काफ़ी काम करे उसके अलावा जब ये काम करने गए ये लोग तो उन्होंने काफ़ी लोगों को पिच करने की कोशिश की और इस कमेटी ने और काफ़ी लोगों से बात करी लेकिन मैंने आपसे कहा ना कि दो के जो हालात गुजरे और जो कुछ किया गया इंटरनेशनल इन्वेस्टर के साथ भी लोकल के साथ भी दो में जो कुछ हुआ तो डेफिनेटली आप सौ तो हम पे बिलीव करना

तो वो लोग आपको हेल्प कर सकते हैं इन बिल्डिंग द ट्रस्ट एंड सेलिंग दिस शेयर होल्डिंग ऑफ पाकिस्तान स्टॉक मार्केट देखिए बड़ा फील के आपको पाकिस्तान में जो इस वक्त ट्रस्ट डेफिसिट की मैंने बात की ना आपको एक ब्रिज की ज़रूरत है आपके इतने बुरे हालात होने के बाद और यहाँ पे जिस तरह से किया गया है इंटरनेशनल इन्वेस्टर के साथ भी लोकल के साथ भी आपको एक ब्रिज की ज़रूरत होती है जब आप वो ब्रिज ले लेते हैं ना अपने साथ तो वो एक तो इंटरनेशनल इन्वेस्टर को फिफ्टी संभाल लेता है फिफ्टी वो आपको समझता है ठीक है ना जिस तरह से टपाल ने दूसरी कंपनी ने पावर प्लांट लगाए अब वो गवर्नमेंट को पावर बिजली देते हैं अब होता है ये कि अगर फॉर एग्जाम्पल बत्तीस मेगावाट का उनका बिजली का प्लांट है तो बत्तीस मेगावाट वो दे रहे हैं गवर्नमेंट को अब गवर्नमेंट में जब जाती है तो पेमेंट का टाइम आता है तो वो पेमेंट नहीं मिलती उनको उन्हों। तो उन्होंने तरीका क्या निकाला ब्रिज का कि उन्होंने वर्ल्ड बैंक और एम को बीच में डाल दिया Okay. ठीक है ना उन्होंने उनसे उन्हों एग्रीमेंट कर लिया आर्बिट्रेशन की डील हो गई अब होता है, है कि तो अच्छा नहीं है नहीं <laughs> नहीं, अब नहीं मैं मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे इस तरह के सिस्टम है यहाँ पे कमिटमेंट नहीं है यहाँ पे चीजें नहीं है आप प्लीज मेरी बात समझे कि यहाँ पे ऐसी तो ये डेफिसिट पूरा करने के लिए आपको एक ब्रिज चाहिए हाँ बीस पच्चीस साल बाद जब एक अच्छी यूथ आएगी एक जनरेशन आएगी फ्रेश एक फ्रेश माइंड के साथ पढ़ के आएगी और वो पाकिस्तान के लिए बिल्कुल प्योरली कुछ करना चाहेगी जिसमें कोई बेनिफिट ना हो जिसमें किक बैग्स ना हो जिसमें शूज़ ना हो तो वो फिर आपका इजीली काम हो जाएगा और लोग ट्रस्ट करेंगे आपको किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी तो हुआ यह कि जब वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ को बीच में डाल के उन्होंने आर्बिट्राइज किया और उनको एग्रीमेंट किया उनके साथ एक परसेंटेज उनको अपने प्रॉफिट की उनको देनी पड़ती है लेकिन पेमेंट अब क्या होता है कि नाइन्टी डेज़ की

बच्चे को डेवलप किया उसको बड़ा किया 25 साल बाद 25 साल बाद आपने किसी को दे दिया और वो 10 दिन बाद उसकी बातें मानने लग गया उसके कहने पे चलने लग गया तो ये तो वही मिसाल है ना तो आपने इतना डेवलप किया इस स्टॉक मार्केट को बीस पच्चीस सालों के अंदर हम दुनिया भर में देखे जा रहे हैं इस वक्त दुनिया भर में हम काम कर रहे हैं लेकिन हमारा मसला ये क्या है कि हम छोटे फायदे के लिए ना बहुत बड़ा फ़ायदा हाथ से निकाल दे रहे हैं जो करना चाह रहे हैं लोग तो इसका हमें इसका इसका फ़ायदा मतलब इसका कोई नुकसान नहीं है इसका जीरो नुकसान है ठीक okay. है फायदा ये है कि इंटरनेशनल इन्वेस्टर जो अभी अभी अगर 20-25 फंड काम कर रहे हैं तो हो सकता है आपसे ये कहा ना कि हमारी पाकिस्तानी एज अ कॉम एक बड़ा मसला हमारा ये कि हम छोटे फायदे के लिए ना बहुत बड़ा फायदा छोड़ देते हैं बड़ा फायदा यह है कि जब आपकी अपनी मार्केट आपका अपना बेबी आज से बीस पच्चीस साल के बाद एक एक हेल्थी इंडेक्स में खड़ा होगा एक 800, 900 या 1 बिलियन शेयर का काम होगा उसके अंदर वो इंडिया की मार्केट के कंपेयर कर रहा होगा ठीक है ना अभी तो आप, आप बिलीव करें मैं अभी इंडिया मैंने विजिट करके देखा दस परसेंट भी आप इंडिया के बराबर काम नहीं कर सकते Obviously, size नहीं। उनका बहुत मैं आपको बता रहा हूँ मिसालें तो हम बहुत देते हैं right. कि इंडिया में ये हो रहा है इंडिया में वो हो रहा है लंदन में ये हो रहा है अमेरिका में ये हो रहा है लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि कभी विजिट भी करके देख लीजिए okay. कभी वहां पर जाकर देख भी लीजिए कि वहां पर क्या क्या हुआ है और उनकी हिस्ट्री कितनी बड़ी है अब दो साल की हिस्ट्री अमेरिका की है एक सेकंड में एग्जाम्पल दे देते हैं कि अमेरिका की मार्केट में तो ये हो रहा है ठीक है ना हमारी मार्केट तो अभी चले हुए इसको मुश्किल तो से भारत तो साल पाकिस्तान की हिस्ट्री तो बराबर की है मैं ए, नहीं, नहीं इंडिया पाकिस्तान की हिस्ट्री आप अभी से लेते हैं ना आप नाइनटीन फोर्टी सेवन से क्यों लेते हैं बात बात यह कि उन्होंने तो आपको श्रीलंका की मार्केट में आपको पता है कि पहली पहली कंपनी ने कब काम किया एटीन फिफ्टी नाइन अच्छा ओके okay. जी किसी ने स्टडी किया इस बात को नहीं किया स्टडी ठीक है ना 910 के अंदर नाएं, वन नाइन वन, वन जीरो के अंदर उनकी स्टॉक मार्केट डेवलप थी ठीक है ना श्रीलंका भी सर इस पर सवाल मैं श्रीलंका का क्वेश्चन ऐसे पूछूंगा श्रीलंका ने एटीन फिफ्टी नाइन में काम किया था बट मैं थोड़ा सा देख रहा था रिसर्च देख रहा था उसमें कहते हैं कि श्रीलंका पाकिस्तान मार्केट जो है वॉलीटेलिटी इन टर्म्स ऑफ हाई रिस्क एंड हाई रिटर्न इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल डेप्थ इन टर्म्स ऑफ रेजिंग कैपिटल बिल्कुल बराबर है नहीं, बराबर नहीं, तो बराबर नहीं नहीं है है बराबर है। है। बराबर अच्छा। आप बराबर नहीं है मैं बिलीव करें आप बराबर नहीं मैं तीन दिन माँ रहकर आया हूँ आप बराबर नहीं है अच्छा। आप उनसे ट्वेंटी फाइव परसेंट बेटर है ये तो कह रहा हूं आपसे हम सिर्फ खराब बातें और नेगेटिव बातें करते हैं पाकिस्तान के बारे में चीजों के बारे में इसके बारे में मतलब जो चीज़ अच्छी है वो नहीं दिखाते हैं। right. एक चीज़ बुरी है वो दिखाते हैं ठीक है ना ये चीज़ अगर खराब है इसको मैं आपको बताऊंगा हाईलाइट करके एक घंटे तक लेकिन ये चीज़ मैं दो साल से इस्तेमाल कर रहा हूँ आज तक ख़राब नहीं हो ये नहीं बताऊँगा मैं आपको right. मसला सारा ये है हमने इतना अच्छा काम किया सिर्फ स्टॉक मार्केट की बात नहीं करता मैं मैं पूरे पाकिस्तान के आप किसी भी डिपार्टमेंट में चले जाइए आप कंपेयर कीजिए आप इंडिया चले जाइए इंडिया में आप दिल्ली में उतर के सिर्फ दिल्ली का रोड कैपिटल आप कंपेयर कर लीजिए इस्लाम के रोड से ठीक है ना आप कहेंगे भाई बराबर है बराबर नहीं है दिल्ली तो ये इन्होंने तो ये सत्रह में बना दिया था रोड तो बॉटम लाइन ने कि ढाई सौ साल पुराना रोड बना हुआ है okay. वो उसको सही तरीके से बना नहीं पाए हमने 1947 से 2015-16 तक हमने इस्लामाबाद का नक्शा बदल के उसको यूरोप से आगे लेके चले गए अलहद आज आज कराची देखें कितना बेहतर है आपका चीज़ें बहुत बेहतर हैं अगर आप सिर्फ सिक्सटी एट की हिस्ट्री लगाएंगे जिसमें से बत्तीस साल आपके जो है वो माशाला की नज़र हो गए और बाकी के तीस बत्तीस साल आपको मिले तो तीस बत्तीस सालों में जो आपने काम किया मैं आपको चैलेंज करता हूँ कि आप अमेरिका से जाके कहेंगे ये एक मुल्क देते हैं आपको बत्तीस साल का टाइम है ऐसा करके दिखा दो वो आपसे माजरत कर ले बातें जो है ना आई थिंक इट्स वेरी गुड टू हेयर सम यू नो पॉजिटिव बट थोड़ा सा जब हम मैं एक और साइड आपको लेके दिखाता हूँ दट इज़ नॉट रेलिवेंट तो टू पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज रोड हमारा इस्लामाबाद का अच्छा कंपेयर टू तो डेली बट सर अगर आप बात करें एक्सपोर्ट्स की आप बात करें फॉरन एक्सचेंज रिजर्व की इंडिया इज वन ट्रिलियन डॉलर्स ठीक है जी अब वो भी फिर एक कंपेरिजन आता है फिर उसके बाद फिर जो जो सोशल बेनिफिट टैक्सेशन रेट्स इन सब पर देखा जाए तो फिर मतलब देखिए ये सब चीज़ें स्टॉक मार्केट में बहुत अच्छा काम किया होगा आई एग्री विद यू बट इन टोटैलिटी जब आप देखते हैं तो फिर वहाँ पर अगर जब बात की जाए तो वो थोड़ा सा जो है ना पिक्चर बड़ी डार्क नज़र आती है नहीं देखिए डार्क नहीं है पिक्चर सर बात यह है कि बहुत पिक्चर क्लियर है हमारी अपनी एक जजमेंट एक अंडरस्टैंडिंग है हम जिस तरफ ले आए जाते हैं ना हमें उस तरफ हम चले जाते हैं बेसिकली okay. हमारी अपनी जजमेंट हमारी अपनी वैल्यूज़ हमारे अपने जो है ना एक से एक सोच नहीं है कि मेरी एक सोच ये है पाकिस्तान कैसा भी हो मेरी एक सोच ये है बदतरीन हालात में भी मेरी सोच ये थी आज अच्छे हालात में भी मेरी सोच ये है अब मसला क्या है कि अगर अट्ठारह करोड़ की आबादी में एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट के अंदर आपका गैप आप देखिए वो गैप अभी चौदह पंद्रह परसेंट का रह गया है वो मेजर गैप था आपका नो डाउट मतलब तो चौदह परसेंट से और तेरह परसेंट से पिछले इस साल भी आपकी जो है एक्सपोर्ट इंपोर्ट दोनों में फ़र्क पड़ा है वो मैं आपके पास से एग्री करता हूँ क्योंकि एक साल तो ये धरनों की नज़र में हम गुजरे हैं और बाकी चीज़ें हुई हैं लेकिन अट्ठारह करोड़ की आबादी और सवा अरब की आबादी में डिफरेंस तो देखिए ना सर वो तो फिर आपका पाकिस्तान का, का रिचेस्ट मैन जो है वो फाइव बिलियन डॉलर का है और वहां पे जो है वो अंबानी फिफ्टी फाइव बिलियन डॉलर का गाय देर इज नो कम्पेरिजन ना बट आप ये देखिए कि आप उनसे कहिए कि अपने इस अरसे में आपने क्या काम किया और अपने इस तीस पैंतीस साल में आपने क्या काम किया हमने काम किया है स्पेशली मुशरफ के आने के बाद जनरल मुशरफ के आने के बाद नाइन्टी एट के बाद पाकिस्तान में काम हुआ।, हुआ ये कोई नहीं कह सकता वो जो भी थे वो जनरल थे या आर्मी के थे या जो भी थे मतलब ही वॉज द मैन हु डिड समथिंग फॉर पाकिस्तान ये मैं बर्मला कह रहा हूँ आपसे और 2002 के बाद 2008 तक जो कुछ हुआ इंफ्रास्ट्रक्चर कराची में बना पाकिस्तान डेवलप हुआ टेलीकॉम इंटरनेट एक कॉन्सेप्ट उन्होंने चेंज कर दिया पाकिस्तान के बारे में कि जी अगर 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 जनरल आएगा या माशाला आएगी या आर्मी इसीलिए अगर आज दरा सा खराब तो, तो हमने एक ट्रेंड देखा है नॉट ओनली जनरल मुशर्रफ अगर आप सिक्सटीज का एरा भी देखें जब खान वाला उसमें इंडस्ट्रियलाइजेशन तो ये तो एक हमारा एक मैं इस एक बड़ी अजीज बात करूँ आपको ये इसके खिलाफ क्यों हैं मतलब एक एक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ अगर आ जाता है एज अ प्रेजिडेंट उसके खिलाफ लोग क्यों हैं या उसके खिलाफ मीडिया क्यों इंटरनेशनली इस न... क्योंकि इसमें काम होता है और शायद वो डरते हैं डरते हैं कि पाकिस्तान के काम exactly. होने से I वो totally डरते totally हैं काम के totally आप मुझे एक खराब चीज बताइए मतलब मुझे पर्सनल दो तीन चीजें हुई बुटी वाला मामला ये वो एक अलग उससे इकोनॉमी को ताल्लुक नहीं तालुन लेकिन इन इन टर्म्स टर्म्स ऑफ ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर क्या यही वजह है कि जैसे ही आवाज़ें निकलना शुरू होती हैं कि जी हालात ख़राब हो रहे हैं और आर्मी को टेक ओवर तो फौरी तौर पे इंटरनेशनल मीडिया और इंटरनेशनल लोग खड़े हो जाते हैं और जी यहाँ की सो कॉल्ड सो कॉल्ड एन जी रोड पर आ जाती हैं कि जी ऐसा नहीं होना चाहिए ठीक है ना तो बॉटम लाइन का काम होता है काम दो से लेकर और दो हज़ार आठ तक बहुत काम दो हज़ार दो से दो हज़ार आठ तक स्टॉक मार्केट परफॉर्म अच्छा इसका कंपेयर कर लीजिए दो हजार आठ से दो हजार तेरह तक क्या हुआ exactly. मैंने आपको अपनी मिसाल दी ना जी, आप कि मैंने जिंदगी का सबसे मैं समझने लग गया था दो हजार ग्यारह में दस में कि मैंने जिंदगी का सबसे वर्ष डिसीजन ले लिया गलत फैसला लेकिन मैं उस पर स्टैंड करा मैंने मैंने फ़ाइट करी दिन रात मैंने सिस्टम से फाइट करी मैंने लोगों से फ़ाइट करी मैं अपने असूल पे खड़ा रहा मैं अपने काम पे बिजनेस पे लगा रहा अल्लाह ताला ने उसका ये दिया कि जब मैंने उसको 2012 के बाद जब मार्केट का रिवाइवल हुआ तो अलमदिल्ला उसको हमने अचीव किया अपने टारगेट को और हम अपनी चीज़ों तक तो आए और एक सिस्टम में चलते हुए आए अलमदिल्ला तो बॉटम लाइन यही है कि इंटरनेशनली आपका फ़र्क पड़ता है चीज़ों से बट एक लिमिटेड स्कोप होना चाहिए आप अगर इसी तरह से हम अब होता है कि आप गवर्नमेंट में आपने एक चीज़ प्राइवेटाइज़ करनी है आप प्राइवेटाइज़ कर देंगे आपने दे दिए वन बिलियन डॉलर के हबी बैंक के शेयर्स आपको पता है हबी बैंक का पूरे पाँच साल का डिविडेंड कितना है वन बिलियन डॉलर का डिविडेंड है खाली पाँच साल का वो आपने हबी बैंक पाँच एक बिलियन डॉलर के अंदर दे दिया आपने तो दे दिया थोड़ा फायदा आपको हुआ होगा ये ट्रांजेक्शन कराने में या करने के अंदर ठीक है ना लेकिन आपने आने वाले 20 साल बाद सोचा कि कितना बड़ा नुकसान कर दिया मुर्गी काटने वाली बात मैंने आपको जो मिसाल दी ना आपने कहा बड़ा फ़ायदा नजर आ रहा है मैंने आपको मिसाल दी कि छोटे फ़ायदे के लिए क्योंकि आपको पता है कि कल आप

कम पड़ गया प्रोग्राम खत्म हो गया थैंक थे नाजरीन वी हैड अ वेरी पॉजिटिव एंड अ वेरी आई वुड से बहुत एनर्जेटिक गेस्ट हमारे थे काफ़ी उन्होंने हमको अच्छी अच्छी बातें बताई इंटरनेशनल मार्केट से हमारा लिंकेज uh, उनका ये जो मैं समझ सका हूँ समराइज़ उस तरह करूँगा कि लिंकेज हमारा है बट हमारा ज़्यादा जो लोकल uh, और एक डोमेस्टिक जो हमारा इन्फ्लुएंस है वो हमारे स्टॉक मार्केट पर अभी भी ज़्यादा प्रिवेल करता है एंड बिफोर इन्वेस्टिंग यू शुड लुक बोर इंटू दोज़ फैक्टर्स ऑयल से हमारा फ्लक्चुएशन ऑब्वियसली दुनिया भर में होता है हमारा भी होता है बट इट शुड बी मोर स्पेसिफिक टू द टू द शेयर्स ऑफ द कंपनी दैट यू बाइंग उनके बारे में दूसरा मुझे एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर हमने देखा इनके डिस्कशन में वो ये था कि ये जो हम पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की शेयर होल्डिंग को सेल आउट करने की जो बात हो रही है जिसकी जो जिसका मेन रीज़न ऑब्जेक्टिव था इसको पी बनाने का इसका शॉर्ट टर्म फ़ायदा तो है बट अगेन लॉन्ग टर्म शायद हम को कुछ ज़्यादा फायदे मिल सकते हैं जो कि हम सेक्रीफाइस कर पाएंगे नाजन इसी पर हम प्रोग्राम खत्म करेंगे विल मीट यू अगेन टुमारो इनशाला नए टॉपिक के साथ नए किस का थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग खुदाफिज